परंपरा टूटेगी तो फिर शांति बरकरार नहीं रहेगा। हमेशा 24% बढ़ा के कल कहेंगे हम 12% बढ़ाते हैं, 1% भी बिजली दर। माननीय नेता, बिहार मैं एश्योर करना चाहता हूँ, गांव और गरीब को कोई नुकसान नहीं होगा। हर फैसला को माननीय मोदी जी से जोड़ना माननीय होते हैं। 4 साल तक सरकार ने कोई बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं की। अध्यक्ष महोदय, परंपरा टूटेगी तो फिर शांति बरकरार नहीं रहेगा। हमेशा प्रतिपक्ष को अवसर मिला है और मोदी जी के नाम पर अगर जो सदन में हंगामा कराना चाहते हैं तो ये कतई स्वीकार नहीं होगा। महोदय, बिजली का फिक्स चार्ज दोगुना और यूनिट चार्ज में 40% समय हम देंगे दिए थे, लेकिन इसके कारण कुल बढ़ोतरी 50-80% हो रही है। इसका दुष्प्रभाव आम जनों के साथ साथ राज्य के व्यवसायी औद्योगिक उपभोक्ता पर पड़ेगा। महोदय, राज्य में गरीबी बढ़ेगी, उद्योग धंधों तथा व्यवसाय में कमी होगी, विद्युत संचरण वितरण हानि लाभ 45% है, जबकि इसे सुदृढ़ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष लगाए जाते हैं। सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए बिजली दर बढ़ाने पर रोक लगाने में विफल हो रही है। महोदय, आज बिजली में जो गड़बड़ी और चोरी है उसके कारण आप आम उपभोक्ता जो बिजली देता है उस पर लगाना ये कतई से उचित नहीं है। बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स सहित राज्य के अन्य व्यवसाय के दो संगठन इस विधि को विरोध कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं महोदय कि बिजली दर में प्रस्तावित वृद्धि को आपस लिया जाए, बिहार के गरीब जनता पर ये बोझ नहीं दिया जाए। और महोदय, मैं आग्रह करूंगा कि आज सारे जिस तरह से निकला है हर जगह पेपर में, तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि सच्चाई क्या है। आप 24% बढ़ा के कल कहेंगे हम 12% बढ़ाते हैं, 1% भी बिजली दर। माननीय नेता, बिहार माननीय नेता अजीत शर्मा जी, सदन के अंदर महोदय आप बैठिए, सदन माननीय मंत्री विद्युत विभाग कितना बोलिएगा आप शांति बनाए रखिए ना, हो जाता है ठीक ये। अब महोदय, महोदय सदन शांति से चले आप क्या और नहीं इस तरह से नहीं चलेगा क्या? संवैधानिक संस्था पर उंगली उठाने वाले लोग जो संविधान में विश्वास नहीं है, माननीय न्यायालय पर विश्वास नहीं है, हर फैसला को माननीय मोदी जी से जोड़ना माननीय होते हैं। महोदय, नेता विरोधी दल और जो कह रहे हैं आप शांति बनाए रखें, माननीय मंत्री बोल रहे हैं। 4 साल तक सरकार ने कोई बिजली बिल में बढ़ोतरी नहीं की। नंबर 1, ये मैंने बजट भाषण में ही कहा था। नंबर 2, बिजली बिल बढ़ाने का काम रेगुलेटरी कमीशन स्वर्गीय वाजपेयी जी के समय में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पार्लियामेंट बनाती है, मॉडिफिकेशन भी करती है। उसी समय वो आप राज्य सरकार को अधिकार छीन ले करके रेगुलेटरी कमीशन रेट को तय करती है। मैं एश्योर करना चाहता हूँ, गांव और गरीब को कोई नुकसान नहीं होगा, उनको कोई कठिनाई नहीं होगी। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।